आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 3.5 का पहले का चौथा भाग हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं? अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए, यहाँ बोला है वज्र गुणन विधि से। और सबसे पहले अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये ज्ञात करने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 चाहिए पड़ता है। तो इसके लिए हमें समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करनी पड़ेगी। ये हमने जो समीकरण दिए थे यहीं से हमने हल शुरू कर लिया है और इसको एक नंबर और दो नंबर दे दिया है। अब हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करने पर। और व्यापक रूप तो आपको पता होंगे, ये हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा हमारा, हम यहीं लिख देते हैं a1 बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो एक माना जाएगा, b1 y के साथ -3 का गुणांक है और c1 है हमारा -7। इसी तरह से a2 हमारा 3 है, b2 -3 और c2 है -15। अब हम क्या करेंगे, a1 / a2 ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/3। इसी तरह से b1 / b2 ये भी हो जाएगा -3/-3, तो ये हो जाएगा +1। b1 / b2 आ गया +1 और c1 / c2 ये आ जाएगा हमारा -7/-15 यानी कि 7/15। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, a1 / a2 और b1 / b2 ये दोनों क्या है, ये 1/3 और ये 1, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और उन्होंने प्रश्न में स्पष्ट रूप से बोला है यदि अद्वितीय हल है तो उसे ज्ञात कीजिए। आपको तीनों शर्तें पता होंगी इसकी, उनको आप एक बार बुक में अच्छे से देख लीजिए। अब यदि अद्वितीय हल है तो फिर हम उसको ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, x, y और 1। अब x के नीचे जो है, जो समीकरण का व्यापक रूप है, ये है समीकरण का व्यापक रूप a1x b1y और c1। तो ये जो समीकरण के व्यापक रूप है इसमें x के नीचे x के गुणांक बस नहीं आएंगे, x के गुणांक हैं 1 और 3 या फिर a1 और a2। तो x के गुणांक नहीं आएंगे, x के नीचे आएंगे y के और 1 के गुणांक। तो ये आ गया b1 और यहाँ पर आ गया b2। y के नीचे, अब यहाँ पर हम एक सीरीज शुरू करते हैं, जैसे चक्रीय क्रम होता है ना, a b c, तो a के बाद b आएगा, b के बाद c आएगा और c के बाद पुनः a आएगा। इसी तरह से b के बाद आ गया हमारा c1 c2, c के बाद क्या आ गया, पुनः a आ गया, तो a1 a2 और इसके बाद पुनः b आ गया b1 b2। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, x के नीचे केवल x के गुणांक नहीं है और y और 1 के हैं, यानी कि b और c है। इसी तरह से y के नीचे x के और 1 के गुणांक है, यानी कि C है और A है, और एक के नीचे ये एक वाला गुणांक है, इसके नीचे A और B के गुणांक हैं, है ना। ये मैंने यहाँ पर समीकरण लिखा है, ये देख लीजिए, एक के नीचे इसके बस गुणांक नहीं है और बाकी X और Y के हैं। Y के नीचे किस किस के गुणांक हैं, X के और 1 के, और X के नीचे Y के हैं और 1 के हैं। बस ये एक तरीका याद करने का है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसीलिए इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं और हिंदी में वज्र गुणन विधि। तो ये हो जाएंगे
b1 c2 और माइनस b2 c1। यहाँ पर y अपॉन हो जाएगा, ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये तो हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1। इसको बस हमें बहुत सावधानी से करना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। हर बार आप इसकी जो यहाँ पर संख्याएं लिखी है इनको आप एक बार रीचेक कीजिए, उसके बाद करिए, और इसके आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से बनेगा ये। यहाँ हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब बस इसके हम मान रख देंगे x अपॉन b1 c2। b1 था हमारा, ये है b1 हमारा है -3 और c2 हमारा -15, तो यहाँ हो जाएगा -3 × -15। और -b2 c1, b2 और ये c1 है -7। आप लोग वीडियो थोड़ा सा पीछे करके a1 b1 के मान लिख लीजिए। y अपन हो जाएगा c1 a2, c1 है -7 और a2 है 3, माइनस c2 a1, c2 हमारा -15 है और a1 हमारा है 1। इसी तरह से 1 अपॉन a1 b2, a1 हमारा कितना है 1 और b2 हमारा है -3, और -a2 b1, a2 हमारा है 3 और b1 हमारा है -3। बस अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो हमारा आ जाएगा एक्स अपॉन ये 15 × 45 और ऋण ऋण धन हो जाएंगे, माइनस ये 7 × 21 से ऋण ऋण धन हो गए, और यहाँ पहले से ऋण है इसलिए ये ऋण आएंगे, इन दोनों का धन, लेकिन ये वाला ऋण है तो ऋण हो जाएगा, धन ऋण मिलके ऋण हो जाएंगे। अब बराबर वाई अपॉन ये 7 × 21, ऋण 21 ही आएगा। अब ये देखिए ये दोनों का गुणनफल आएगा ऋण में, और यहाँ पर एक ऋण पहले से है तो ये हो जाएगा धन धन 15 बराबर 1/2, ये तो है हमारा -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 × 9, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन 45 × 21, ये हुआ हमारा धन का 24 बराबर वाई अपॉन 21 × 15 यानी कि 6 और बराबर 1 अपॉन -3 और +9 यानी कि ये हुआ प्लस का 6। एक बार पीछे से आपको दिखा देते हैं, ये -3 +9 यानी कि माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6, यहाँ माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 24। अब एक बार इन दोनों को ले लेंगे और दूसरी बार इन दोनों को ले लेंगे, तो ये तो आ जाएगा हमारा x/24 बराबर 1/6। तो इस तरह से हमारा x का मान 6, x बराबर 24 × 1, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 24/6, x बराबर आ जाएगा 6 × 24, ये आ गया हमारा x का मान। अब एक बार y को ले लेंगे तो y/6 बराबर 1/6, यहाँ पर 6y बराबर 1 × 6, y बराबर 6/6 यानी कि y आ गया हमारा -1। इस तरह से हमारे x और y के मान आ गए हैं, यही हमारा आंसर है। इन क्वेश्चन को आप सावधानी पूर्वक करें, बार बार इनको चेक करते रहें जब इनके हम मान रखते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी, देखने के लिए धन्यवाद।